welcome back to our channel. You're here with me, Sweet, and Stevie K. Okay, today, guys, we're watching BB Gavines, and it's Sachka Samna. Yeah, Sachka Samna. It's been, I think the last BB Gavines we done was Pitaji Got Talent. Yes. His new one. So it's been a while. but obviously, this was another one that was sent. If you're new to our channel, make sure you like, share, subscribe, and also check out our other channel, which is Cool Art Touch. We're just going to check this out. Mm-hmm. See what it's like. मम्मी प्लीज खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। पहले नहा क्या? कल भी नहीं नहाया था। अरे ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? तेरी माँ और तेरा पापा, आप ही समझाओ। Listen son, your mother, my wife mean to say, no English. That's why I talk English with you. But she'll understand whatever you say. Prove you are a stupid female. Okay. इतनी ठंड, English ठंड. कभी कभी when I go bathroom in ठंड चुल्लू भर पानी छप 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 sing 2-3 full song मुखड़ा अंतरा she think done बाहर आके फुस फुस दियो चल से जी क्या कर रहे हो नहाने के फायदे समझा रहा हूँ बेटा जाके नहा ले हेलो और बकरी चोट क्या हाल है क्या बकरी मम्मी आपको जाना नहीं है टैक्सी बुक कर दो ना यार मेरे फोन में वो स्पेस होती है ना वो इतनी कम हो गई है कि अब वो टैक्सी वाले और बाकी ऐप मैंने हटा दिए हाँ तो मैं टैक्सो से बुक कर देता हूँ ना आंटी ऐसे भी फोन में इतने सारे ऐप रखने से अच्छा है एक ही ऐप काफी है ये आपकी पहली राइड है ना तो कूपन कोड में बैंचो डाल के आपको 40% डिस्काउंट दिलवा दिया ये लो हो गई कैब बुक भाई कल मैंने रोहन के साथ सच का सामना खेला सारे रास बक दिए उसने मैं उसी ने कंप्लेंट की थी मेरी अच्छा ये सच का सामना क्या होता है का सामना फेस द ट्रुथ क्या बोल रहा है ये फुद्दू सच का सामना एक गेम है चलो ना खेलते हैं आप क्या खेलोगे ये तो बच्चों का गेम है एकदम बेकार यार तेरी माँ चली गई बाहर अखबार में पूरा सुबह सुबह पढ़ लेता हूँ क्राइम पेट्रोल भी रात को आता है बोर हो जाऊंगा खिलवा दो यार खेलो ना अंकल आप और भुवन खेलो मजा आ जाएगा अच्छा अच्छा इसमें करना क्या होता है बस सच बोलना है दो सवाल आपके दो सवाल इसके आप सवाल पूछो ये सच बोलेगा मैं मतलब वैसे तू झूठ बोलता है नहीं पापा आप बस सवाल पूछो और हाँ कोई झूठ नहीं बोलना बस हो गया कलेश तेरी हाइट कितनी है 5'11" वेट अंकल BMI निकालोगे क्या ये कैसे सवाल पूछ रहे हो रुको मैं समझाता हूँ तूने कभी अंकल की पॉकेट से पैसे चुराए बहुत पहले 10 रुपए बस और वो जो तू 500 के दो करारे नोट लाया था कुछ महीने पहले स्कूल में कौन से पैसे अरे बंक मार के नहीं गए थे स्कूल से कूद खेलने और मैं पूरा टाइम बेचारी वो काम वाली पे शक कर रहा था मैं आपको बताने ही वाला था देखा अंकल ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें सामने वाले की हालत खराब हो जाए तू बाथरूम में नहाने में इतना टाइम क्यों लगाता है ये हुआ है गेम शुरू बैच फिर निकले आफू हो पाने के लिए नहा लेता हूँ दिन के 15 मिनट वेस्ट ना हो इसीलिए बाथरूम में ही हिला लेता पापा लंबे बाल धोने में काफी टाइम जाता है लंबे बाल है धोने में शैम्पू कंडीशनर मार्गो तेरी माँ के भी तो लंबे बाल है वो तो 5 मिनट में आ जाती है और फोन क्यों ले जाता है अंदर लोटा हिलाने लोटा हिलाने में दिक्कत होती है तो फोन डाल के उसमें लोटा हिल जाता है क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ अब मैं पूछूंगा ओह नो आप 3 साल पहले बैंकॉक गए थे क्यों ऑफिस की ट्रिप थी बेटे मीटिंग थी आपके ड्रॉअर से मुझे पिछले हफ्ते ये मिला प्लेबॉय क्लब अरे ऑफिस के दोस्तों को अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने थे तो प्लेबॉय उस दुकान का नाम था ओ, तो वहाँ खिलौने बेचते बेचते बॉडी मसाज भी होती थी अपने बाप से ऐसे सवाल करें अब ये दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुझे अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं पहाड़ चढ़ के स्कूल जाता था अरे इस गेम में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं अंकल ये गेम का रूल है सवाल सवाल है मुझे पड़ोसियों ने बताया कि पिछले हफ्ते जब मम्मी और मैं बाहर गए थे तब घर में कोई लड़की आई थी शिट
जस्ट गॉट रियल टट्टी अफली हो गई वो एक फ्रेंड थी असाइनमेंट के सिलसिले में आई थी क्या नाम था उसका गौरी स्नेहा स्नेहा गौरी दो दो लड़कियां आई थी अरे घर है कि कोठा दोनों गर्लफ्रेंड है तेरी सिर्फ स्नेहा आई थी पापा और गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं है दोनों में से कोई भी नहीं है ये कोई उम्र है प्यार करने की अरे ये उम्र तो पढ़ाई करने की है ये उम्र तो आपका नाम रोशन करने की है वाह ये उम्र तो स्पोर्ट्स खेलने की है किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की थोड़ी है सो डी दैट्स व्हाट फीफा है कौन फ्रेंड विथ बेनिफिट मतलब दोस्त जो एक दूसरे के काम आए ताकि दोनों का फायदा हो उसने मेरा असाइनमेंट किया ये तो तेरा फायदा हुआ तूने उसको क्या दिया और क्या ओरिगैनो पिज्जा खाना था ना उसको लड़कियों को तो पिज्जा पसंद है और बीबी को बेफ ये रमीज राजा को चुप करा तू जब अभी दो हफ्ते के लिए मुंबई गया था किसके साथ रुका था पिंकी 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 लड़की पिंकी। के साथ रह रहा था उसके माँ बाप ने कुछ कहा नहीं वो तो दिल्ली में ही रहते हैं सरता पापा पिंकी जी मुझसे 10 साल बड़ी हैं हमारा रिश्ता इतना पवित्र है वो तो मैं डिसाइड करूंगा बेटा कि पवित्र है कि नहीं पर आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन है ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है ना फेरे ना विदाई दे होदाई पे होदाई सॉरी पापा सॉरी अब मेरा सवाल पूछना तेरा बाप हूँ उसूलों वाला आदमी हूँ ईमानदारी से जिंदगी जी है तेरे साथ मैं ये गेम रोज खेल सकता हूँ आप वर्मा आंटी के बारे में क्या सोचते हो मेरे को खेलना ही नहीं अरे पापा अरे बुढ़ों के दिलों में जवानी के दिए जल रहे हैं और कुछ लोग अभी तक अपना नुन्नू मल रहे हैं Okay, that cheered you up. You know that, that was hilarious. Yeah, that was really good. That was really good. Oh my God, I would never... Truth or Dare with your dad. I don't think you could play Truth or Dare with anyone, really. Should we play Truth or Dare? No. Shadow Bada, Amy. Okay. I've got a few questions lined up. So, I ain't answering any, so it doesn't really make a difference. Amy, they're like, they argue all the time, please don't, guys, don't do anything. Yeah, forget that. You know, pata nahi, main to bol dai aadat hai sach bolan di te mere te juttiyan hi beh janiyan. Na hi hana answer karo, theek hai. Na hana jhooth bolo, na answer do. That's my philosophy. Bas, sach te stick karo. And that's about it. But yeah, they need to have like a drinking one where they're drinking and having a like a drunken conversation, like just between them all. That'd be so funny, just seeing what random. Any other ones of his that we haven't seen that are really good? I mean, I did enjoy that one. That was good. Wait, I was like, what is going on? He's like, oh, trying to tell him in English, you have a bath, and just splash on him. That was quite clever. The mom just like standing there thinking. She doesn't understand his English. Oh, but the way he started that, if I could watch that part again, because it's so funny. No, that was good. You need sometimes a good cheer up. So yeah, like a page stuff. That's it. And then up on a truth or dare, and like do people? I mean, because we don't know about that. Innocent person, like, and then brings on that. Like, do people? Is it a game show or then there, or is it something that people play and actually tell the truth? Yeah, I don't know, because we haven't got that yet, have we? No, not really. We just play spin the bottle where you do truth and dare. So let's spin the bottle. Come on, yeah. And if it lands on you, you've got to either tell, they ask the question and you got a choice of answering the question and telling the truth, or you end up doing a dare. Yeah, then that's the choice. But that's about it. But anyway, that was good. Anything else, just let us know in the comments. And don't forget to like, share, and subscribe. And we'll see you next time. See you guys. Bye. Bye.